छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं एवं 12वीं के टॉपर्स को 9 अक्टूबर को सम्मानित किया जाएगा। सभी टॉपर्स का सम्मान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीएम हाउस में आयोजित सम्मान समारोह में करेंगे। इसके पहले प्रदेश के सभी टॉपर्स को मुख्यमंत्री की पहल पर 8 अक्टूबर को हेलीकॉप्टर की सैर कराई जाएगी। इसे लेकर छात्र छात्राएं काफी उत्साहित हैं। स्वराज संवाददाता दिलीप साहू ने 12वीं के टॉप 10 में शामिल वर्षा देवांगन से खास बातचीत की। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से इस बार 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाले छात्रों को छात्र छात्राओं को न सिर्फ सीएम हाउस में सम्मानित किया जाएगा बल्कि इस बार उन्हें हेलीकॉप्टर से जॉय राइड भी कराया जाएगा। इस बार जो टॉप किए हैं पूरे छत्तीसगढ़ के सभी छात्र छात्राओं उनके लिए सरकार की ओर से यह व्यवस्था की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा मंडल और छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से यह सुविधा दी जा रही है। हमारे साथ जो टॉप करने वाली छात्रा है टॉप लिस्ट में शामिल रही वर्षा देवांगन है जो हायर सेकेंडरी स्कूल की अपनी पढ़ाई के दौरान टॉप लिस्ट में जगह बनाई है और उनके साथ हम चर्चा करेंगे इसको लेकर। कैसा लग रही है वर्षा आपको? बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है क्योंकि एक्चुअली पहली बार हो रहा है ना, कभी नहीं बैठी हूँ मैं हेलीकॉप्टर में, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने जा रहा है और ऐसे सबको नहीं मिलता है, हर साल नहीं मिलने वाला, हम एक्सक्लूसिव है इस चीज़ के लिए, तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो खासकर हम पढ़ाई को लेकर भी चर्चा करेंगे। आप किस तरह के मेहनत किए और इस मुकाम तक हासिल किए, जिस तरह से हमको पता है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी मिडिल लोअर क्लास की फैमिली बैकग्राउंड। मम्मी पापा क्या करते हैं आपके? मम्मी पापा दोनों ही कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, वो दोनों साथ ही काम करते हैं। और रही बात मेरे थ्रू आउट द जो ट्वेल्थ का प्रोसीजर रहा है उसमें मैंने तैयारी थोड़ी जल्दी शुरू कर दी थी क्योंकि टेंथ में हुआ क्या था मेरे साथ कि सिर्फ 1% के कारण, जो बहुत बड़ा डिस्टेंस था, तो उस 1% के कारण मैं टॉप 10 में आने से छूट गई थी। तो वो चीज़ था जो मुझे एक्चुअली ट्वेल्थ में टॉप करने के लिए मोटिवेट करता रहा कि 1% ही बस तो था, अगर पढ़ लेती तो आ जाता। और वो चीज़ हमेशा मुझे मोटिवेट करती थी कि नहीं इस बार तो लाना ही है। तो मैंने अपने 11 से ही ये सोच लिया था, जैसे टेंथ का रिजल्ट आया था उसी दिन से सोच लिया था कि अब ट्वेल्थ में रैंकर बनना है करके, एनी हाउ लेकिन बनना है करके। अभी क्या कर रही हैं आगे की पढ़ाई? ट्वेल्थ में अच्छा खासा रैंक लाए हैं आप, अभी क्या कर रही हैं, क्या पढ़ाई कर रही हैं? सर मैं अभी मैं बीटेक सीएसई मतलब कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही हूँ। जैसे कि हम लोग मेरिट लिस्ट में आए हैं तो हमें हमारे लिए ना एक अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया था कलिंगा यूनिवर्सिटी वालों ने, तो उन्होंने कहा था कि जो टॉप 10 के मेरिट लिस्ट स्टूडेंट्स हैं उनको वो 100% स्कॉलरशिप देकर पढ़ाएंगे। तो उनमें से मैं भी एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट हूँ, तो इतने बड़े प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ना मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी वर्षा देवांगन, इनका आप देख सकते हैं कैसे उत्साह है इनको क्योंकि पहली बार हेलीकॉप्टर के भी सैर करेंगे। इसके अलावा इनकी मेहनत, क्योंकि इस जिस बैकग्राउंड से आती है, एक सामान्य फैमिली है, रेंट के हाउस में रहते हैं, इसके बावजूद भी इन्होंने अपने दम पर अपने मुकाम अपनी मेहनत से मुकाम हासिल किया और इनका एक लक्ष्य तय है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती है। हम उम्मीद करते हैं कि ये उन सफलताओं को हासिल करें जो इनको इनकी इच्छाएँ हैं वो पूरी हो और इनके साथ साथ ही अपनी मम्मी पापा के साथ देश और समाज का भी नाम रोशन करें। कैमरा पर्सन संतोष के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू।